हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन में आप कैसे कैसे अपने फ़ोन में कैमरा की जो इश्यूज़ प्रॉब्लम है, तो कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कैमरा इश्यूज़ को आप रीसेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम ठीक कैसे कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से कैमरा आइकन्स पर जाना है। क्लिक करते ही कैमरा आइकन्स ओपन हो जाएगा। तो कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। क्लिक करते ही कैमरा सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है, जहाँ से कैमरा सेटिंग्स को आपको जिस तरीके से रीसेट कर सकते हैं, और कैमरा सेटिंग रीसेट होते ही जो भी कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम है आपके फ़ोन पे सॉल्व हो जाएगी, और कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से कैमरा इश्यूज़ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं कैमरा सेटिंग्स को रीसेट करके अपने मोटो G34 फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर पाएंगे और यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी